हेलो। हाँ जी जिब्रान। अच्छा वाह मलेदारों ने वाह। फड़े है? जाओ पिछले जो के उन्होंने मुजरम फड़े है, उन लेके आओ। जाओ हाँ या जाओ लो हाँ सर जी, ऐसे ए कहते जाओ आए, मुजरम। जल्दी दौड़ो अगे हो। कौन सी वारदात हुई है? एक मुंडा फड़े उन्होंने जरा गन पॉइंट तो मोबाइल खोदा है, अच्छा तो इसलिए पहले तुम्हें पता मलेदार जल इकट्ठे हो जाते ना, फिर हाँ वो मारते बहुत ने। हाँ मॉब लिंचिंग भी हाँ हो जाती है। वैसे आपसे अच्छे तो मोहल्लेदार है जिन्होंने एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लिया है। अच्छा मैं कि सांवरी का बेटा, नहीं आप देखिए ना मतलब कि मैंने रिसेंटली। पता लग जाए कि उत्थे क्राइम हो रहा हैगा, ठीक है, या क्राइम तो पहले मैं उत्थे पहुंच जाऊंगा, इतने क्राइम होना जी। हाँ तो आप जी, इन्ने देखिए ना मैं रिसेंटली ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। सिर्फ कराची में 7 मिनट में एक वारदात हो रही है, मतलब 24 घंटे में 150 वारदातें हो रही हैं स्ट्रीट क्राइम्स की। और लाहौर की हालत देखें, पहले तो ये जो स्नैचिंग थी ना ये कभी शाम में या रात के वक्त हुआ करती थी, अभी तो दिन दिहाड़े जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो आप ही का कसूर है ना मेरे एक यहाँ। मुजरिम तो पकड़ा नहीं जा रहा था, फिर फिर उसका नंबर ट्रेस हो गया। जब अच्छा उसका फोन ऑन हुआ ना तो मैंने मिस कॉल दी उसको। हाँ हनी ट्रैप। तो उसने बाद में मेरे साथ फोन मिला लिया, मैंने कहा अच्छा जी गलती से मिल गई थी। अच्छा आहिस्ता 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 उसने समझा कि सेट नन्ही उसके साथ, हो गई है। नन्ही रोजाना वो ना 2,000 का ना बैलेंस करवाती सी। तो फिर पकड़ा कैसे आपने उसे? बस फिर वो रिक्वेस्ट ही करने लगा कि मुझे मिल लो मुझे मिल लो। अच्छा फिर मैंने तय किया कि मैंने अब इसको पकड़वाना ही है। मैंने शलाबार बागुरु आए, अच्छा पूरी फोर्स ना लग गई ना, इन्होंने कहा हम नाका लगा देंगे ना, तुमने बस निशानदेही कर दी कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए। बस मैं उसको मिली, उसने मुझे अपनी बैग पे बैठा लिया बैक पे मोटरसाइकिल पे, ओ बाइक पे। फिर क्या हुआ? तो ये पहुंचे नहीं वहां पे। साड़ी गड्डी पंचर होगी रस्ते च, आप लोगों के साथ ये हादसे होते रहते हैं। जेडियां बाड़ियां गड्डियां साढ़े को लेना, तुझे यकीन जानो उत्थे जिस तरह टायर चेंज किया है, अच्छा टायर भी चेंज किया। उतो गड्डी दे विच जैक नहीं सी। जेड़ी गड्डी नूं मैं हाथ देवां वो छां करके लंघ जाण, उस फिर दिन मेरे सा जैक ना ना मिलता तो मुजरम का जैक लग गया था। उन्होंने ने फिर नाल जेड़े पुलिस वाले ने, इन्होंने एक साइड तो गड्डी चुकी, अच्छा मैं आप टायर चेंज किया। इतना टाइम जाया हो गया। जद वकोए ते पहुंचे ते ना नन्ही सी ना मुंडा सी, जाहिर बात है इतना टाइम जो जाया कर दिया था आपने। वो इन बारह दरी ला गया। फिर कहता मेरे साथ वो गाना गा, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे कदी उस नुकरे कदी उस नुकरे। उठ जाके उन्हें दरी बिछा ली, अच्छा फ्रूट मंगा लिया। नन्नी भी भूल गई कि मैं पुलिस चाह, उसने उसने ताश निकाल ली, मंग पत्ता शुरू हो गया। फिर नन्नी उसे 2,500 रुपया हार गई उसके को। असी नन्नी दे फोन दी लोकेशन लाई सी। अच्छा वरना नन्नी भी गई थी। ऐसा क्या था उसमें नन्नी की आप भूल गई कि आपकी जॉब ही क्या है? वैसे मैंने हल्की फुल्की एंजॉयमेंट की, मैंने कहा इन्होंने पहुंच तो जाना ही है। असी फिर 12 दरी नु घेरा पा लिया। अच्छा हाँ सारियां दरियां चुक के साइड ते रखती है। नन्नी उत्थे इन्नी मस्त हुई पी उहदे प्यार च, मैं उन्हूं इशारा करा कि इन, फिर मैं विखाया वर्दी दसी कि तू पुलिस च। फिर इनको याद आया। इन्हें पिस्तौल करके इतने रखती, तो पहले तो जो 2,500 हरे से इन्हें वो कटाया उसको। अच्छा उस तो बाद इन्हें क्या तेरे को किन्ने ने, वो भी ऐसा माठा आशिक वो 1,500 रुपया निकलिया। इस बात के बाद फिर मेरे उसकी हैंड टू हैंड फैट शुरू हो गई। अच्छा फिर मैंने उसे एक ही किक कराई वन डैम वाली, ऊपर से साहब जी पहुंच गए। नन्नी ने उन्हें किक मारी है तो झाड़ियाँ डिगया, झाड़ियाँ चो निकलिया कपड़े झाड़ता झुड़ता, असं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सर जी मैं बैठ जाऊं? सर जी बोरियत शुरू हो गई है, इतना एंजॉय कर रहे थे ना। सर सर आपकी आंखों का धोखा है, मैं नहीं था, मैं तो कोई कर रहा हूं। नहीं था इधर साले बैठ। सर थल्ले बैठ। थल्ले बाव नानके आया। हेलो ऐ जी सर, ये सबको बुला के हम नीचे क्यों बिठाते हैं एसएचओ साहब? हम मुल्जम पकड़ते अपने बेनोई नहीं पकड़ते। एसएचओ साहब मैं नाजायज उठा के ले आया, मैंने कुछ नहीं करा एसएचओ साहब पे। ठीक ही थे ये। मैं एसएचओ साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां खड़ा हुआ था, मैं कराची से आया फुफी की शादी में या लाहौर में। मैं उस लड़के को मोबाइल में एप्लीकेशन बता रहा, तहते मैं मोहल्ले वाले आ गए पकड़ के मारा और फिर इनके हवाले कर दिया। इन्हें तो मेरे को ले आओ। सर मान जाओ भाई मान जाओ, ये मनवा के छोड़ते हैं, बड़े जालिम लोग हैं ये। सर मैंने नहीं करा, मैं कसम खा रहा हूँ, फुफी की शादी में आया था, शादी भी हो रही है। नहीं दिया बचिया, साड़ियाँ फुफियाँ 76 साल दी हो गई, तेरी फुफी कितने साल दी? लेट शादी हो रही है। थले क्यों बह रहे हैं, थले क्यों बह रहे हैं? कैमरे तू लुक रहे हैं? कराची में कहाँ रहते हो? घर पे रहता हूँ सर। उत्थे किनिया वारदातें कीतियां और इत्थे किनिया कीते हैं? सर मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया आप ऐसी टॉर्चर ना करें। पुलिस ने एक बाल की, उसके बाद फिर लाहौर आया, फिर यहाँ एक बाल टाउन आया, फिर वहां पे फैसल टाउन आया, फिर उसके आगे अन्नी दे बचा गैप लाया ऐसी वारदातें लिखनी भी नहीं। उसके बाद एक गाड़ी खड़ी हुई थी चमचमाती भी नहीं, मैंने उसका साइड गिलास उतारा, उसके बाद उसकी बैटरी भी चोरी कर ली। उसके बाद एक उदास बंदा बैठा था, उससे मैंने हाल पूछा, मैंने बोला भाई क्या हाल है, परेशान लग रहे हो? उसका मैंने पर्स मार के मैं निकल गया। पर्स कितने पैसे सर? 12,000 रुपए थे। अन्नी दे बचा सब तो पहले मेरा पर्स वापस कर। इन्हें मेरा पर्स कटे है। मैंने अगर आपका पर्स निकाला मैं दो उंगलियां कटवा लूंगा अपनी।
ये बहुत कमीना शख्स है, छोड़ना नहीं। उस काले की गाड़ी का प्लग भी इसने निकाला होगा। माफ कर दो साहब, मेरी फुफी की शादी है साहब यहाँ लाहौर में। हाँ लाहौर में। पहले तो वो कहते थे मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, अब बाकी है। तेरी फुफी की शादी ना, बेटा मैं चला जाऊंगा, अंदर चल, अंदर चल, करो शादी। साहब मैं अपने खानदान में क्या मुंह दिखाऊंगा साहब, छोड़ दो साहब। जो बुखार है ना, इन्ना की बुखार है। आपके पास कौन सा ऐसा ट्रिक है कि आपने उसका हाथ मरोड़ा, उसने सारा कुछ सच बोल दिया? पर मेरा पता नहीं, नहीं मैं तो बाजू कट भी देना से पीछे हूँ। ऐसा जो साहब प्लीज माफी ना करो, हिम्मत की लड़ाई है। मेरे हाथ को तो काटा हो रही है, हम तुम मैं ना ठीक है कहीं, मैं ना किए नहीं सकते। हमने तुमको दी, तुमने हमको धोखा दिया, तुम मैं ना ठीक है कहीं, मैं ना किए नहीं सकते। ओ ओ हो मेरे असलम, ओ गोंदा बना परेदा बेटा। आप लोगों को शर्मा नहीं चाहिए, आपकी बाप की उम्र क्या है, आप बदतमीजी कर रही है। वे सारा प्यू नहीं, मेरी वड्डी बेगम है, मेरी छोटी। मैं समझ कर रहा है मेरी वड्डी भैन है, मेरी छोटी भैन। जनाब केहो जी गल्ला कर रहे हो? अच्छा की प्रॉब्लम है बेटा, मैं दसो मसला की है। हम चाहती है इसको तलाक दे, अभी तलाक दे। पहली माया वड्डी माया, ये मैडा है इको छोड़े। तुम लोगों को ये लियाकत नहीं खा का दोस्त मिला था शादी करने के लिए। तना की ना की है? मेरा नाम जनाब असलम है। असलम साहब एक की मसला है? असलम साहब नहीं, असलम धोखेबाज। देखो बीबी मेरे नाल थे रजिया की हो गया, 30 साल दा थोड़ा साथ है, आज मैं पैड़ा बन गया वहां। बहुत अफसोस की बात नहीं, तुम दोनों को यही आउट ऑफ फैशन बंदा मिला था। ओ तानू यही बंदा मिलया सी, कछु कुमे दी कांडर की शक्ल है दी। ओ मिले काय ना, इ जन मेरी शादी थई है। अच्छा हुन की मसला कीगा? अब वड्डी बेगम कहंदी है छोटी नु तलाक दे दे, छोटी कहंदी है वड्डी बीबी नु तलाक दे दे, मैं की करा ते किधर जावा? क्यों कठिया नहीं रहनी है तुसी? हैं मैडा इको फैसला है, या ए रासी या मैं रासा। सर जी नन्नी सारी केस को फॉलो कर गई है क्या? ए जो दरमियान में शख्स खड़ा है इसका वफाक वाला हाल है। अच्छा एक तरफ केपी के खड़ा है, दूसरी तरफ पंजाब खड़ा है। हां तभी बैलेट बॉक्सर का सिर होया था। एक मिनट एक मिनट, ए साला तोडा ए मेरा बेटा जी है रजिया इचों। ए तो साला पुलिस वाला तू तू ओ नहीं जी है रजिया चो है, मैं तो नीफा चो हां। मेरी गल सुनो, मेरी गल तमल नाल चौंदे की हो तू बेटा दस, तेरा ब्याह कदों आए देना? ए गदाए पक्का बाप ले आराम ले, मैं जान दे बर्बाद को, बर्बाद को दादा बना बना मारे दिन तो नहीं समझ आ रहा। ना गल करो की हो गया तन्नू, मैं तो ओदी नहीं समझ आ रही नहीं, तुसे अपने घर च होजी बंदूक नहीं रखते जो जे खामद रख ले। मुझे ये बताइए कि आप दूसरी बेगम है ना, तो आपको पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा? नहीं इसने हमसे झूठ बोली। अच्छा जी तुसी इतना ब्याह क्यों कीता? ए जनाब असल है चेने अपराग किस तरह का काम करता सी। अच्छा मैं उनको लो काफी सामान करता ले लिया, उन्हें शक पै गया कि मैं किधरे दौड़ ना जावा, उन्हें अपने पैसे महफूज करने की खातर अपनी बहन नाल मेरा निकाह कराई। पर हमको इससे मोहब्बत हो गई थी। अच्छा अच्छा वो तो किस तरह का रौला सी? ए जड़ी सराकी भी बोल दी मुल्तानों की सोना लवे ट्रक मंगा लिया सी। जिथे तू इना समान किस्तां ते लल्या ही बंदा वेख भी लल्लां दा किस्तां दे। मेरे इन्ने सोने वाल सन ना, फिरकी वाल सन, जदों मैं टुरदा सा इंजन हिलदे सन। तो दो शादियां करोगे तो यही हाल होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे टाइम पे इसके बाल नहीं थे, थोड़े जाएंगे थे मथे ते गुल बीबी। फैसला की है तुहाडा? मैं को इंसाफ चाहिए है, गा लेके जरे वाले ई मैं शादी कीती आई। हाँ। लिख पढ़ करके दी आई, लिखा है कि जे अगर दूजी शादी करे सी 50 लाख देसी। अगर लिख के दिया था तो फिर तो इनको जेल है। जेल तो पक्की है उड़। लिख के दिता 50 लाख ले। हमसे तो तुमने कोई 50 लाख की बात नहीं की। देखो हादसाती तौर पे तुम्हारा निकाह होया है, मैं तुम्हें दस दिया, मैं तुम दोनों तलाक दे के तीसरा ब्याह कराऊंगा। मैंने बचाओ प्लीज, प्लीज मैंने बचा लो। वो दौर गुजर गया जब औरतें रोती होती थी, अब औरतें अपनी फुल पावर में, तुम कैसे?
परेशान नहीं हो, तुम्हारा बाप अगर मर गया ना तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा। मैंने बचा लो प्लीज। मैं कितु बचाओ, मैं दूसरी दा नहीं सोचा, तू तीसरी दा सोचन दे। छोड़ दो जी, इधर सामने मेरी तरफ देखो जी। अच्छा तो अब तीसरी शादी करोगे? हाँ, मैं तीसरी शादी का। अब देख तू, नन्नी चौकस की टक्कर। ओए जी सर, नन्नी ने गिरफ्तार कर लो। नन्नी को क्यों गिरफ्तार कर? मैं क्या सीधा, जो जुर्म होएगा मेरे इलाके में बंदा अंदर दे। नन्नी ने गिरफ्तार कर अंदर दे। बिस्मिल्लाह, मैं औरतों के हकूक के लिए कैद भी काट लूंगी। तुमने मेरे हक के लिए जुलूस निकाला? अंदर अंदर ना, चलो चलो। मेरे नाल है मेरी भेड़। कोई बात नहीं, मैं भी बाल बच्चों वाली हूँ, अल्लाह रहम करे। ऐसी कौन सी बात है? सैर तो यो, हाय सैर तो यो। मुझे इस कैद का कोई काम नहीं है। हाँ नन्नी, सर जी भूल गए सारा कुछ। अब बंदा मारते तू पागल है? जो नन्नी ने अपनी जान पे खेल खेल के महकमे के लिए खिदमत दी है वो भी सब कुछ भूल गए? और महकमे ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो? जो मैं मुजरिम के पीछे आधा घंटा मोटरसाइकिल पे बैठी हूँ वो भी भूल गए? मैंने तो बीच में कई बातें शॉर्ट की हैं जो मुजरिम ने मेरे साथ की थी, तो वो भी भूल गए। की कीता सी उन्होंने? मुझे सुना दो आजी, मुझे सुना दो। नहीं तो कराची जाके लाफ्टर लेगा, मैं नहीं सुनाऊंगा।